आप मानते हैं कि हमारे देश में काला धन है? ऐसे नहीं, जोर से बोलो। आप मानते हैं कि विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का काला धन है? आप मानते हैं कि देश के कुछ चोर लुटेरों ने विदेशी बैंकों में हमारा पैसा जमा किया है? आप मानते हैं कि वो रुपये वापस आने चाहिए? दुनिया के किसी भी देश में हिंदुस्तान का पैसा रखा गया है, पाई पाई वापस लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए? काला धन वापस लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? आप तो हाँ ही कहोगे ना, आपका क्या जाता है? आप न क्यों करोगे मुझे बताओ, आप मना क्यों करोगे? आप हाँ कह रहे हैं क्योंकि आपका एक भी पैसा वहां नहीं है। ना कौन कह रहे हैं, ना कौन कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? उन्हीं के पैसे हैं और उन्हीं से मिली भगत करने वालों के पैसे हैं। भाइयों बहनों, मैंने ठान के रखी है, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मौका देंगे, मैं पाई पाई वापस लाऊंगा। जो ईमानदारी से टैक्स भरता है उसकी कोई परवाह नहीं है, और इसलिए हमारा निर्णय है कि विदेश से जो काला धन वापस लाएंगे उसमें से कुछ परसेंटेज ये जो रेगुलर सैलरी वाले लोग इनकम टैक्स भरते हैं ना, उनको इनाम के रूप में वापस देते हैं, उनकी देशभक्ति की इज्जत की जाए। जब तक ये काला धन वापस ला करके ये लूटने वालों को हम डराते नहीं है, तब तक नए चोरी करने वाले बंद नहीं होंगे, और इसलिए नई चोरी करने वालों को बंद करने का ये भी एक रास्ता है कि पहले चोरी किया हुआ माल देश की तिजोरी में वापस लाओ, अपने आप चोरी करने वाले बंद हो जाएंगे। जो भी कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी, कानूनी व्यवस्था की जाएगी, उसके विषय के ज्ञाताओं का टास्क फोर्स बनाना होगा तो टास्क फोर्स बनाया जाएगा। लेकिन दुनिया के देशों में हिंदुस्तान से लूटा गया जो सामान, पैसे, रुपये रखे गए हैं, एक एक पाई लाई जाएगी और गरीब की भलाई के लिए काम लगाई जाएगी। लेकिन भाइयों बहनों, काले धन की इतनी मांग उठ रही है, अडवाणी जी ने पूरे हिंदुस्तान में यात्रा की, इस उम्र में देश को जगाया, बाबा रामदेव लड़ाई लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस को काले धन का नाम देने से डर लगता है। भाइयों बहनों, में आज आपको वादा करना है, और ये विकास जोश लेकर के उत्तर प्रदेश की गलियों में घूमने वाले नौजवानों से मैं कहता हूं, आप जहां भी जाएं लोगों को विश्वास दीजिए कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, हम दुनिया के कहीं भी बैंक में खाते में अगर काला धन रखा गया है उसको वापस लाएंगे, और ये काला धन गरीबों की भलाई के लिए खर्च किया जाएगा। ये काले धन को भी ठीक करना है, काले धन वालों को भी ठीक करना है। काला धन आना चाहिए और काला धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके उसके लिए एक इफेक्टिव प्रोसीजर अपनाना चाहिए, उसको मोदी जी अपनाएंगे, मैं आपकी मोदी जी में कह रहा हूं। इस देश के गरीब इंसान के पैसे क्या कारण है? मैं तो हिंदुस्तान से मांग उठ रही है कि विदेशों में जो काला धन है वो वापस लाया जाए। अरबों खरबों रुपये हैं और लोग हिसाब लगाते हैं कि आज जो हिंदुस्तान का काला धन विदेशों में है वो अगर वापस लाया जाए और गरीबों को बांट दिया जाए तो एक एक गरीब के जेब में 3-3 लाख रुपया आ सकता है, 3 लाख रुपया। एक गरीब के परिवार में 5 लोग हैं तो 15 लाख रुपया उसके घर में आ सकता है। इतनी बड़ी धनराशि विदेशी बैंकों में जमा है,
दिल्ली सरकार को क्या परेशानी है, और इसलिए शक होता है इन रुपयों के पीछे और इसलिए दिल्ली सरकार पे शक होता है कि जो विदेश में धन है ये दिल्ली की सरकार किसी न किसी कारण से उसकी रक्षक बनी हुई है, उन पैसे भेजने वालों की रक्षा करने में लगी हुई है, उन पैसों की रक्षा करने में लगी हुई है, और हिंदुस्तान भूखा मर रहा है, गरीब मर रहा है, और दिल्ली की सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है तो वो गुनाह हमें भी मंजूर है। अगर विदेशी धन वापस लाओ ये मांग करना गुनाह है तो वो गुनाह हमें भी मंजूर है। और जो कानूनी सजाएं आप रामदेव जी को करते हो नरेंद्र मोदी पर भी लगाई दीजिए। भाइयों बहनों, ये देश ऐसे नहीं चल सकता है, ये देश ऐसे नहीं चल सकता है। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे रेलवे लाइन, ये काला धन वापिस आ जाए जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते, ये लूट चलाइए। और बेशरम होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो, और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। लेकिन भाइयों बहनों, कभी न कोई भारत माँ का लाल आएगा, मुझे भरोसा है दोस्तों, कभी न कभी कोई भारत माँ का लाल आएगा और ये काला धन हिंदुस्तान की धरती पर वापस आएगा।